नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और श्लोक 8 की बात करते हैं और बात मिथुन लग्न की ही होगी। और आप सभी जानते हैं कि अभी जो हम व्याख्या कर रहे हैं वो भावार्थ रत्नाकर की व्याख्या हो रही है, और यदि हम इसको अच्छी तरह से समझ लें तो ज्योतिष को समझना कि ज्योतिष में फल कथन कैसे किया जाता है ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं और समझते हैं कि श्लोक क्या कहना चाहता है। तो कहते हैं, मिथुने जाय मानस्य कुज चंद्रो तू लाभ गो, कि मिथुन लग्न में जातक का जन्म हो और कुज चंद्रो अर्थात मंगल और चंद्रमा लाभ स्थान में स्थित हो। आगे कहता है, भाग्यस्थो यदि वा बंदो विशेष धन योगदह, कि चंद्रमा मंगल एकादश में हो, लाभ स्थान में हो, शनि अपने ही भाग्य स्थान में स्थित हो, तो ये विशेष धन देने वाले होंगे। अब यहां ये नहीं बताया गया है कि कौन विशेष धन देने वाले होंगे। कहता है, भागस्थो यदि वा मंदो विशेष धन योगदह, कि ये परिस्थितियां यदि पत्रिका में बनती है तो विशेष धन की बात होगी, लेकिन हमको और आपको समझना है कि जिन ग्रहों की चर्चा हो रही है उसके दशा और अंतरदशा में विशेष धन की बात हो। हमेशा कहते हैं कि जिस भी ग्रह की बात कर रहे हो या दशा अंतरदशा में जो ग्रह हो, आप यहां कुंडली विश्लेषण करना भी सीखें कि दशा अंतरदशा में जो ग्रह हो उसको सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए। हम तो यहां मानते हैं कि मंगल चंद्रमा और शनि की चर्चा हो रही है, तो अब हम इन तीनों के विषय में समझना चाहते हैं कि तीनों कौन और इनकी स्थिति कैसी, स्वामित्व कहाँ का, ये सब बातें हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले मंगल देखिए लाभ स्थान का स्वामी है और स्वराशि का ही मंगल स्थित है और मेष इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो कितना अच्छा संयोग है कि लाभ स्थान में लाभेश स्थित है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा धन स्थान का स्वामी है और धनेश कहाँ स्थित हुआ जा करके, लाभ स्थान में। अब लाभ स्थान में धनेश और लाभेश की युति अपने आप बताता है कि धन और लाभ की स्थिति क्या होगी, ये तो हम लोगों ने देखा। अब शनि की बात कर लेते हैं, तो इसको हम मानते हैं छठे के साथ 11th लॉर्ड है, ये सेकेंड का लॉर्ड है और शनि 8th के साथ 9th का लॉर्ड है। तो अब यहां 9th का स्वामी होकर के 9th हाउस में स्थित है, अर्थात भाग्येश कहाँ है, भाग्य स्थान में है। तो ये कितना अच्छा योग है कि देखिए भाग्येश भाग्य में है तो आपका भाग्य योग्य भी बना रहा है, आप भाग्यवान होंगे। और ये चंद्रमा और मंगल की युति, तो हमारे तो मानसागरी में कहीं भी युति हो तो उसके लिए लिख दिया गया कि चंद्रेन मंगलो युक्तो जन्म काले यदा भवेत तस्य जातस्य गेहम तू लक्ष्मी नय विमुंचति, कि ऐसे जातक के जीवन से कभी लक्ष्मी विदा ही नहीं होती। तो एक तो यहां चंद्रमा और मंगल, और इसको चंद्रमा मंगल ना बोल करके यदि हम लाभेश और धनेश बोले तो धन योगदह कि जो बात कही गई है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब शनि स्वयं भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में स्थित हैं, तो यहां हमको हम भाग्यवान हैं और हमारा धनेश लाभेश एक साथ लाभ स्थान में स्थित है, और लाभ स्थान में कोई भी ग्रह होता है तो कहते हैं उसके कारकत्वों की वृद्धि हो जाती है और जिस भाव का स्वामी आता है तो उस भाव से संबंधित फल की भी वृद्धि हो जाती है।
तो यहां धन भाव का स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में गया, तो चंद्रमा की के कारकत्वों की तो वृद्धि हुई ही, साथ में धन भाव की भी वृद्धि हो गई, धन भाव के लिए भी अच्छा हो गया, और मंगल स्वयं लाभेश होकर के लाभ स्थान में है, तो मंगल की के कारकत्वों की वृद्धि तो होगी ही, और लाभ के लिए यहां हम कहते हैं स्वयं अपने ही राशि में बैठना, एकादश स्थान का मजबूत होना कहते हैं। अब बात आती है कि चंद्रमा और मंगल, आप हमेशा हमसे सुनते होंगे कि मंगल फोर्स के साथ काम कर रहा है, 7 साल की ही दशाओं में यदि ये काम करने लगे तो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, और चंद्रमा तीव्र गति से काम करने वाला है। तो आपको यहां देखिए क्या है कि चंद्रमा और मंगल एक तो तीव्र गति के काम से काम करेगा, किसके लिए काम करेगा, धन के लिए, और दूसरा पूरे ताकत के साथ बल के साथ काम करेगा, किसके लिए, लाभ के लिए, और तीसरा ग्रह जिसकी चर्चा हुई है वो आपके भाग्य को बलवान बना रहा है, तो यहां भाग्य की हानि नहीं हो रही है। तो जब हमारे भाग्य की हानि न हो और धन और लाभ स्थान का स्वामी लाभ स्थान में मजबूती से स्थित हो तो फिर धन योगदह क्यों नहीं होंगे, धन देने वाले क्यों नहीं होंगे। तो हम हमेशा कहते हैं कि अब यहां आप पूछेंगे कि मंगल और चंद्रमा को लिया गया, जबकि जानते हैं क्यों लिया गया, क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है और मंगल के लिए बुध मित्र नहीं है। तो अब ऐसे प्रश्न यदि आपके सामने आते हो तो आप कैसे हल करते हैं नहीं पता, लेकिन हमने बहुत लोगों को ऐसे हल करते हुए देखा कि ये तो लग्नेश का शत्रु है, ये तो षष्ठेश भी है, चंद्रमा मार्केश भी है, अब सठे और मारक का स्वामी आपके लाभ स्थान में चला गया, अब ये देख लीजिए शनि की दृष्टि भी पहुंच रही है। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि शनि की दृष्टि पहुंच रही है तो हानि या लाभ, निश्चित रूप से हानि, शनि की दृष्टि यदि यहाँ है तो निश्चित रूप से इसकी हानि। तो हम कहते हैं ना ऊपर वाला हमको बहुत बैलेंस करके चलता है। अब ऐसे जातक को दशा शनि मंगल चंद्रमा की मिलती है या नहीं मिलती है ये भी देखना होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमारे मन में जो द्वंद्व होता है वो यहाँ बहुत स्पष्ट होता है, इसीलिए हम कहते हैं और हम प्रयास करते हैं कि कितना अच्छी तरह से आपको इसकी हम व्याख्या बता सकें, आपको बहुत ही सरल महसूस होता होगा पाठ को समझना, उसके बाद भी यदि कोई परेशानी हो तो आप किसी न किसी रूप में हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, हम अपने ज्ञान के अनुरूप ही आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।